बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडे वी हैव लेक्चर नंबर 19, नेटवर्क लेयर लॉजिकल एड्रेसिंग। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस डिफरेंट क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेसेस, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। देन वी डिस्कस सब टेक्निक्स ऑफ सबनेटिंग एंड सुपरनेटिंग। सो इंशाल्लाह टुडे वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। जो जो चीज़ें इसमें रह गई थी कि सब नेटिंग किस तरह की जाती है, उसकी क्लासेस को किस तरीके से आपस में लिंक किया जाता है, ब्रॉडकास्ट जो एड्रेस है वो आप किस तरीके से फाइंड करते हैं, नेटवर्क एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं, क्लासेस के अंदर डिफरेंट क्या क्या डिफरेंस होता है, फिर हमने यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस देखे थे, और लास्ट टाइम हमने डिफरेंट क्लासेस की जो रेंजेस हैं वो किस तरह फाइंड करते हैं, क्लास ए की रेंज किस तरह फाइंड करते हैं, बी की रेंज किस तरह फाइंड करते हैं, सी की रेंज किस तरह फाइंड करते हैं, तो हमने वो रेंजेस भी फाइंड करना सीखी थी। तो जो आज वाला हमारा चैप्टर है, आज वाला जो हमारा लेक्चर है, इसके अंदर हम इसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने क्लास ए, बी, सी और डी और ई को देखा था, फिर हमने उसका मैथमेटिकल प्रूफ भी देखा था कि क्लास ए की रेंज किस तरह फाइंड होती है, बी की रेंज किस तरह फाइंड होती है, सी की रेंज किस तरह फाइंड होती है, डी की रेंज किस तरह फाइंड होती है, क्लास ई की रेंज किस तरह फाइंड होती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, हम इसमें ये देखेंगे कि हमारे पास जो डिफरेंट क्लासेस हैं, ठीक है, उन क्लासेस को हम कंटिन्यू आगे किस तरह करते हैं, आईपी 4 और आईपी वर्जन 6 में क्या डिफरेंस है, 4 और 6 में आप इसमें रिलेशन भी कोई है कि नहीं है, जहाँ जहाँ आईपी वर्जन 4 अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो क्या वो 6 के साथ कंफर्टेबल है कि नहीं, तो ये जो इश्यूज हैं वो इंशाल्लाह ताला हम आज के लेक्चर में अपने डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने जिस स्लाइड पे एंड किया था वो ये 19.8 फिगर थी, जिसमें हमने ये कहा था कि 3 लेवल हायरार्की इन एन आईपी वर्जन 4 एड्रेस। हमने सबनेटिंग को शुरू किया था, हमने वैसे तो ये कहा था कि हमारे पास जो आईपी एड्रेस है, ठीक है, उसके दो पोर्शन होते हैं, एक नेटवर्क पोर्शन होता है, एक नोड पोर्शन होता है। हमने ये कहा था कि जो नेटवर्क पोर्शन है उसमें हमने कहा था कि एक क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, ठीक है, और फिर हमने ये कहा था कि जो आईपी एड्रेस है, हम अगर उसको डिफरेंट क्लासेस के हिसाब से देखें तो जो क्लास ए थी, क्लास ए के अंदर क्या था कि जो फर्स्ट एक्टर था वो आपकी नेटवर्क आईडी थी और जो लास्ट 3 एक्टर्स थे वो आपके नोड्स थे, ठीक है। साथ ही हमने ये भी कहा था कि अगर आपके पास जो है आपको नंबर ऑफ नेटवर्क्स जो हैं वो इन क्लास ए में क्या होता था कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स कम थे, नंबर ऑफ जो नोड्स थे, नंबर ऑफ जो स्टेशन थे वो बहुत ज़्यादा थे। फिर हमने क्लास बी को देखा था, क्लास बी में हमने क्या कहा था कि क्लास बी के अंदर आपके पास एक पोर्शन जो है, जो फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स हैं वो नेटवर्क आईडी की हैं और जो लास्ट 2 ऑक्टेट्स हैं वो आपके नोड्स की हैं। ये आपका बैलेंस नेटवर्क था कि जहाँ पे आपको नोड्स भी चाहिए, नेटवर्क भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए, तो वहाँ पर जो चीज़ आप यूज़ करते थे वो आप क्लास बी यूज़ करते थे। फिर हमने क्लास सी को देखा, क्लास सी में जो फर्स्ट 3 एक्टर थे वो नेटवर्क आईडी थी और जो लास्ट 1 एक्टर था वो आपके पास जो था वो नोड्स का था। तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता चल गई थी कि अगर हमें नंबर ऑफ डिपार्टमेंट ज़्यादा चाहिए, ठीक है, अगर हमारी नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा हैं तो फिर हम कौन सी क्लास यूज़ करेंगे, अगर आपको आपकी ब्रांचेज और नोड्स बराबर हैं तो फिर आप कौन सी क्लास यूज़ करेंगे, और अगर आपके पास जो है जो ब्रांचेज हैं बहुत कम हैं और स्टेशन बहुत ज़्यादा हैं फिर कौन सा यूज़ करेंगे। ये आप देखें कि फिर हमने ये कहा था कि जो हमारे पास एक नेटवर्क आईडी है, हमने उसमें यूँ भी देखा था कि हमने ये कहा था कि ये अगर आपके पास अभी देखें ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन था नेटवर्क का और बाकी ये सारा पोर्शन था नोड का। लेकिन हमने ये कहा था कि हम जब लोग सब नेटिंग कर देते हैं तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं। अब आपके पास यानी ये जो नोड का पोर्शन है, सब नेटिंग की क्या डेफिनेशन थी कि हम अपने नोड की पोर्शन का कुछ पोर्शन कैरी वहाँ से बिट्स को बारो करते हैं और नेटवर्क में इंक्लूड करते हैं, तो नंबर ऑफ जो नेटवर्क है उसकी बिट्स आपकी बढ़ जाती हैं, ठीक है, और जो आपके स्टेशन है वो कम लगते हैं। हमने ये कहा था कि ये जो पोर्शन होगा आपके पास, ये आपके पास सबनेट होगा और ये आपके पास नोड्स होंगे,
ये आपके पास क्या होंगे, ये बस नोड्स होंगे। ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे जो आपके पास यहाँ पे जो सबनेट नंबर वन है, जो आपके पास यहाँ पे जो फर्स्ट सबनेट है आप ये देख रहे हैं, ये 26 बिट्स का था और ये आपके पास जो है 6 बिट्स का आपके पास था नोड था। तो हमने इसमें इसमें क्या किया है कि ये पोर्शन हमने फिक्स कर दिया नेटवर्क के लिए, ये जो 1 बिट है हमने इसको फिक्स कर दिया सबनेट प्रीफिक्स के लिए, और जो बाकी 5 बिट्स हैं उसको हमने फिक्स कर दिया नोड के लिए। तो जब भी आप अपनी सबनेटिंग करते हैं, सबनेटिंग करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि नंबर ऑफ जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, नंबर ऑफ जो नेटवर्क्स हैं वो आपके इंक्रीज हो जाएं, और जो आपके पास स्टेशंस हैं वो रिड्यूस हम कर देते हैं, और उन और जो उसकी वेस्टेज होती है हम उस वेस्टेज को भी रिड्यूस करते हैं। तो जो आपके स्टेशंस हैं वो आपके इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, जो आपके नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं, जो आपके नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव 5 डिफरेंट नेटवर्क्स, नंबर वन इज सेल, मार्केटिंग, बिजनेस, अकाउंट एंड सो ऑन। अब आपके पास जो सेल्स का नेटवर्क है, जो बिजनेस का नेटवर्क है, जो मार्केटिंग का नेटवर्क है और जो एचआर का नेटवर्क है, आप ये चाहते हैं कि आपको हर एक नेटवर्क में 20 नोड्स चाहिए। अब अगर आपके पास उस नेटवर्क के पोर्शन में जो है वो 20 नोड से 50 नोड्स हैं और आपके नेटवर्क 3 बन रहे हैं, तो आप क्या करते हैं कि वहाँ से बिट्स को बारो करते हैं, नंबर ऑफ नेटवर्क्स को आप इंक्रीज कर देते हैं और नोड्स को आप जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। तो हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एंड ISP इज ग्रांटेड अ ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस स्टार्टिंग विद दिस। हम इसको जिस तरह कल हमने कंप्लीट किया था साथ, उसी तरीके से कंप्लीट करते हैं जी। तो अब इसमें आपके पास क्या है कि इसमें आपको गिवन है एंड ISP इज ग्रांटेड अ ब्लॉक ऑफ एड्रेस स्टार्टिंग विद, अभी हम ये नोट कर लेते हैं कि जो हमारे पास एड्रेस है 190.100.0.0/16 है, ये आपको गिवन है, गिवन आईपी एड्रेस, ठीक है जी। यहाँ पे जो आपको आईपी एड्रेस गिवन है दैट इज 190.100.0.0/16, ठीक है, और /16 मीन्स कि जो आपके पास यहाँ पे नोड्स लगेंगे, ठीक है, क्योंकि आप इसको क्या कर सकते हैं, टू रेज के, इस के को अगर आप सुपरस्क्रिप्ट बना दें माइनस टू रेज 16, इसको आप अगेन यहां से सुपरस्क्रिप्ट कर दें, फॉन्ट इसको क्लोज कर दें, इज इक्वल टू 65536। तो ये जो आपके पास ये जो आपके एड्रेसेज आ रहे हैं ये कैसे फाइंड किए गए हैं, हमने ये इसका एक फॉर्मूला पढ़ा था दैट वाज 2K इज इक्वल टू 2। तो K क्या है, ये आपकी नंबर ऑफ स्टेशन जो आपके पास इस नेटवर्क में लिजिटिमेट सिस्टम्स है जो आप सिस्टम इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो ये के आपके पास वो 16 है। तो आपने क्या किया, 2 रेज 16 इज इक्वल टू 65536। तो जो आपके पास यहाँ पे टोटल यहाँ पे नेटवर्क लगा है वो कितना लगा है, 65536, ये आपके आपके नोट्स आ गए। फर्स्ट, अब क्या है, द फर्स्ट ग्रुप हैज 64 कस्टमर्स, ईच नीड्स 256 एड्रेस। अब जो फर्स्ट नेटवर्क है उसके 64 कस्टमर्स हैं और हर को 256 एड्रेसेस चाहिए। द सेकेंड ग्रुप हैज 128 कस्टमर्स, ईच नीड्स 128 एड्रेसेस। द थर्ड ग्रुप हैज 128 कस्टमर्स,
each needs 64 addresses. Design the sub block and find out how many addresses are still available after these allocations. हमने एक नेटवर्क डिजाइन करना है, ठीक है, कि उसके बाद ये भी बताना है कि जो अगर हम इस नेटवर्क को, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं तो आपके पास जो रिमेनिंग आईपी एड्रेसेस हैं वो एड्रेसेस कितने रह जाएंगे, साथ हमने ये भी बताना है. अच्छा, अब आप इसको डिजाइन करने के लिए हमारे पास क्या है, ये आपके पास जो फिगर 19.9 है, ये आपके पास 19.9 है. हम यहाँ पे बाद में जाएंगे, पहले हम यहाँ से इसको चेक करते हैं कि इसको हम किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं. देखिए, आपके पास यहाँ पे क्लास जो एड्रेस है वो क्लास बी का एड्रेस है, क्योंकि वो आपको किस तरह पता चला कि ये 190 है. ठीक है, क्लास बी जो स्टार्ट होती है 128 से लेकर 191 तक स्टार्ट होती है. जो क्लास सी होती है वो आपकी 192 से लेकर 223 तक होती है. तो एक तो ये आपके पास इट्स अ क्लास बी एड्रेस. क्लास बी एड्रेस में जो आपके पास मैक्सिमम आपको जो स्टेशन चाहिए वो आपको 65,536 आप इसमें यूज़ कर सकते हैं. अब डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है 64, 128, 128, और यानी जो आपके कस्टमर्स हैं हर कस्टमर को जो आगे उसमें स्टेशन चाहिए 256, 128, 64, ये आपको आगे उसके डिफरेंट स्टेशन चाहिए. तो ये आपके पास जो है ये आपको गिवन है. अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि फॉर दिस ग्रुप ईच कस्टमर नीड्स 256 एड्रेसेस, के जो आपका हर कस्टमर है उसको 256 यहाँ पे एड्रेसेस चाहिए. दिस मीन्स दैट 8 log 2 256. अब इसका जो आपको गिवन क्या है, ईच कस्टमर नीड्स 256 एड्रेसेस. तो हम इसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, log 2 256 bits are needed to define each host the prefix length. आपके पास जो टोटल 4 octets की जो लेंथ है वो कितनी है, वो आपके पास 32 bit है. minus 8 is equal to 24. the addresses are, अब हम इसमें जो अपने addresses use कर सकते हैं वो क्या use कर सकते हैं, the first क्या है इसमें आएगा आपके पास 190.100.0.0/24. ठीक है, अब इसका जो लास्ट जब ये जीरो है फिर आपका क्या होगा, 190.100.0.1 होगा, फिर ये 2 होगा, फिर ये 3 होगा, एंड इट्स अप टू 255. तो ये जो आपके पास फर्स्ट कस्टमर बन रहा है ये 190.100.0.1 से स्टार्ट होगा और 190.100.0.2, 3, 4 एंड इट विल अप टू 255. तो यहाँ तक ही आपका जो है ये जो, ठीक है. सेकंड जो आपके पास कस्टमर है इसमें क्या है जी, इसमें 190.100.1.0 और ये कहाँ से होगा स्टार्ट, 190.100.1.255 और /24 एंड सो ऑन. और टोटल आपके पास कितने हैं, 64 कस्टमर है. आप मल्टीप्लाई बाई 256 करेंगे क्योंकि 2 8 कितना होता है, 256 होता है. ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16,384 आपके लेजिटिमेट आईपी एड्रेसेस आ जाएंगे जो आपको चाहिए होंगे. ये अभी इसका फर्स्ट ग्रुप है जो हमने फाइंड किया, इट्स अ फर्स्ट ग्रुप. सेकंड ग्रुप में आप देखें, फॉर दिस ग्रुप ईच कस्टमर नीड्स 128. ये बेसिकली हम डाटा कहाँ से पिक कर रहे हैं, ये यहाँ से. ये सारा डाटा आपको ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है कि फर्स्ट ग्रुप में कितने कस्टमर्स हैं उनको. अब हमने फर्स्ट पार्ट किया, अब हम इसका देख रहे हैं सेकंड पार्ट देखते हैं. द सेकंड ग्रुप हैज़ 128 कस्टमर्स, ईच नीड्स 128 एड्रेसेस. ठीक है, फॉर दिस ग्रुप ईच कस्टमर नीड्स 128 एड्रेसेस. दिस मीन्स दैट 7 log 2 128 bits are needed to define each host. log 2 128 bits jo hain ye aapko required hain to define each, har host ko define karne ke liye jo bits aapko chahiye, jo aapki needs hain, jo aapki requirement hai wo ye hai. the prefix length is then 32 minus 7. jo aapki prefix length hai wo 32 minus 7 agar karenge to kya aa jayega,
25 आ जाएगा। द ड्रेसेज आर, जो फर्स्ट कस्टमर है उसका ये ड्रेस है, ठीक है, उसमें आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 190.100.64.0/25 एंड इट अप टू 190.100.64.127/25 एंड सेकेंड कस्टमर आपके पास क्या है, इसमें आ जाएगा 190.100.64.128/25 एंड ये कहाँ तक जाएगा आपका 190.100.64.255 एंड /25 और इसका लास्ट जो होगा वो होगा 128, ठीक है, तो इसमें आपके पास आ जाएगा 190.100.127.128/25 और इट्स अप टू 190.100.127.255/25 और टोटल जो आपके पास बनेगा एड्रेसेस 128 × 128 इट विल बी 16,384। नाउ इज द ग्रुप थ्री, जो आपके पास यहाँ पे ग्रुप थ्री आता है, फॉर दिस ग्रुप ईच कस्टमर नीड 64 एड्रेसेस, दिस मीन्स दैट 6 log 2 64 बिट्स आर नीडेड टू ईच होस्ट, द प्रीफिक्स लेंथ इज देन 32 − 6 इट विल बी 26, द एड्रेसेस आर फर्स्ट कस्टमर डॉट 190.100.128.0/26 एंड इट अप टू 190.100.128.63/26 एंड सेकेंड कस्टमर 190.100.128.64/26 एंड इट अप टू 190.100.128/127/26 एंड 128 कस्टमर जो है, ठीक है, इट विल बी 190.100.159.192/26 एंड इट अप टू 190.100.159.255/26 टोटल इज इक्वल टू 120 × 64 दैट विल बी 8192। नंबर ऑफ ग्रांटेड एड्रेसेस टू द एसपी जो इसमें आ जाएंगे 65,536 और नंबर ऑफ एलोकेटेड एड्रेसेस बाय द आईएसपी वो आ जाएंगे आपके पास 40,960 एंड नंबर ऑफ अवेलेबल एड्रेसेस दैट विल बी 24,576। तो ये आपके पास इसका ग्रुप नंबर थ्री था। अब अगर हम इसी एग्जांपल को ड्रॉ करते हैं, एन एग्जांपल ऑफ एड्रेस एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय एन आईएसपी, ये वही जो भी हमने सारा जो भी हमने इसको सॉल्व किया है कंप्लीट, तो आप इसमें देखें कि जो आपके पास फर्स्ट जो आपका ग्रुप बन रहा है, ठीक है, उस ग्रुप में हमने क्या कहा है कि जो आपका कस्टमर, जो आपका फर्स्ट कस्टमर है वो 190 से लेकर .100.0.0/24 और जो इट्स अप टू फिर कस्टमर टू आ जाएगा, थ्री आ जाएगा, तो ये कहाँ तक जाएगा ये अब, और इसका जो जो ये आपका स्टार्ट होगा ये आप देख रहे हैं कि 0.0 और इसका जो एंड होगा वो 63.255, ये आपके पास आएगा, फर्स्ट ग्रुप आएगा। फिर यहाँ पर जो आपने लिखा है ये आपके ग्रांटेड एड्रेसेस हैं टू एंड फ्रॉम द इंटरनेट 190.100.0.0 to 190.100.255.255, ये आपके ग्रांटेड आईपी एड्रेसेस हैं। ये आपके पास सेकंड ग्रुप आ गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी रेंज की, आपके पास यहाँ पे इसकी रेंज है 190.100.64.0 और ये कहाँ तक जाएगा टू 190.100.127.255, तो ये आपके पास यहाँ पे ग्रुप टू आ गया। जो आपके पास थर्ड ग्रुप है 190.100.128.0 to 190.100.159.255, ये आपके पास थर्ड ग्रुप आ गया। और अब इसके इसमें जो आपके कस्टमर्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, जो फर्स्ट कस्टमर है वो क्या बन रहे हैं 190.100.128.0/26 और जो लास्ट आपका इसमें बन रहा है 128 बन रहा है आपके पास जो 190.100.159.192
/26, और ये आपके पास जो आपके अवेलेबल हैं इसमें 190.100.160.0 और 2 ये कहाँ तक जाएगा आपका 190.100.255.255, ये आपके पास जो आपका अवेलेबल एड्रेस है ये कहाँ तक जाएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट ग्रुप हो गया, देन सेकंड ग्रुप हो गया, देन आपके पास थर्ड ग्रुप हो गया, और फिर आपके पास जो अवेलेबल है वो आपके पास ये आ गया। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, अब आपके पास जो एड्रेसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो आपके प्राइवेट एड्रेसेस होते हैं और एक आपके पब्लिक एड्रेसेस होते हैं। देखें जिस तरह आपके पास डिफरेंट क्लासेस हैं, क्लास ए बी सी, तो इसी तरीके से हर क्लास के लिए ठीक है इंटरनेट ने कुछ एड्रेसेस जो हैं वो फिक्स कर दी हैं कि ये एड्रेसेस आपके प्राइवेट हैं और ये एड्रेसेस आपके पब्लिक हैं। देखें अभी तो हम यहाँ पे तो हम इस तरह करते हैं कि हम अपनी लैब में हर जगह जो जो मर्जी एड्रेस यूज़ कर लें, लेकिन अगर हम यही काम कहीं बाहर करते हैं ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ये काम करते हैं दुबई में, यूएसए में, कनाडा में, तो वहाँ पे आपके ऊपर साइबर क्राइम के लॉज के तहत केस हो सकता है। क्योंकि या तो आप फर्ज किया जिस तरह मेरी गाड़ी का अगर एक नंबर है और मैं वो ही नंबर एक दूसरा बंदा अपनी गाड़ी के ऊपर लगा ले तो क्या होगा, वो यानी दो कार्स का नंबर सेम हो गया ठीक है। कि अगर फर्ज किया मेरी गाड़ी का नंबर है IDH 1231, अगर यही नंबर कोई दूसरा बंदा अपनी कार पर लगा लेता है तो ये जो नंबर था ये मेरे पास एक लेजिटिमेट नंबर था जो सिर्फ और सिर्फ ठीक है मेरी गाड़ी के लिए फिक्स कर दिया गया ठीक है, नो बॉडी कैन यूज ठीक है, और उसको कोई यूज नहीं कर सकता। वैसे ही जो आपके आईपी एड्रेसेस की रेंजेस होती हैं, जो क्लासेस होती हैं, ये प्री डिफाइन है, ये ऑलरेडी फिक्स है ठीक है, कि आपने क्लास ए के लिए कौन सी यूज करनी है, क्लास बी के लिए कौन सी यूज करनी है, क्लास सी के लिए कौन सी यूज करनी है। पब्लिक और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है कि वो इंटरनेट आईपी एड्रेसेस के जो आप इंटरनेट के ऊपर जो है यूज करते हैं पब्लिकली अक्रॉस द नेटवर्क ठीक है, वो सारे के सारे आपके जो हैं वो आपके पब्लिक एड्रेसेस हैं, लेकिन जो आपके प्राइवेट एड्रेसेस हैं ये वो एड्रेसेस हैं कि जो सेल नहीं किए जाते, लेकिन अगर आपने सॉफ्टवेयर हाउस में, आपने रिसर्च में, आपने एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करना है तो फिर जो आपके पास जो एड्रेसेस हैं वो आपके पास प्राइवेट एड्रेसेस हैं ठीक है। आपके पास तीन क्लासेस हैं और तीनों क्लासेस के डिफरेंट आईपी एड्रेसेस हैं। क्लास जो फर्स्ट क्लास है क्लास ए ठीक है, इसमें जो है आपके पास 10.0.0.0 से होता है, ये क्लास ए के लिए है। ये कहाँ पे एंड होगी क्योंकि ये पोर्शन तो आपके पास नेटवर्क आईडी का पोर्शन है, तो जब ये फिक्स है तो ये जीरो कहाँ तक जाएगा 255 ठीक है, ये जीरो भी 255 तक जाएगा और ये जीरो भी 255 तक जाएगा। तो टोटल जो आपके पास नंबर ऑफ स्टेशन या नंबर ऑफ नोड्स जो आप इसमें यूज कर सकते हैं वो आप 2^24 स्टेशन या नोड इसमें यूज कर सकते हैं। देन आपके पास क्लास बी है ठीक है, इसमें क्या है आपके पास 172.16.0.0 एंड 172.31.255.255, तो ये आपके पास जो रेंज आ गई है, ये आपके पास जो रेंज है ये आपकी जो है क्लास बी की रेंज है। तो यानी ये कहाँ से होती है स्टार्ट 172.16.0.0 एंड इट अप टू यू 172.31.255.255, और इसमें जो टोटल आपके स्टेशन लगेंगे वो 2^20 होंगे। थर्ड जो रेंज आप देख रहे हैं इसमें क्या है, इसमें आ रहा है 192.168.0.0 और ये कहाँ तक जाएगी 192.168.255.255। अब इसमें जो 10 है ये नेटवर्क पोर्शन है, ये जो 172.16 जो है ये आपके पास नेटवर्क पोर्शन है, क्योंकि क्लास ए में जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो आपके पास नेटवर्क आईडी होता है, क्लास बी में जो फर्स्ट टू ऑक्टेट्स होते हैं जो आपके पास यहाँ पे 172.16 है ये टू ऑक्टेट्स आपके नेटवर्क आईडी हैं, और क्लास सी में जो है 192.168.0 जो फर्स्ट थ्री ऑक्टेट्स हैं ठीक है, ये तीनों आपके नेटवर्क के हैं और लास्ट में आपके पास क्या नोड्स हैं। तो ये आपके पास आपकी रेंजेस हैं जो आपकी डिफाइन हुई हुई हैं कि कहाँ से कहाँ तक और आप कितने नंबर ऑफ स्टेशन इसमें जो है यूज़ कर सकते हैं। देन आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक नेट और एक पैट ठीक
है, जो नेट है इट्स अ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, और पैट जो होता है वो आपके पास पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन होता है। जो नेट है आपके पास, नेट के अंदर आप देख रहे हैं क्या होता है कि बेसिकली जब आप प्राइवेट से पब्लिक अपने आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करते हैं तो वो नेट राउटर कर रहा होता है। नॉर्मली होता है क्या है कि अगर फर्ज किया मेरे पास एक लैब है, उसमें 200 सिस्टम्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मैं ये ठीक है, अब मुझे 200 सिस्टम्स के लिए 200 पब्लिक आईपी एड्रेसेस चाहिए। डेफिनेटली जब मैंने उसको इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करवाना है तो हर स्टेशन के लिए मुझे एक लिजिटिमेट सिस्टम चाहिए, एक लिजिटिमेट कंप्यूटर चाहिए, और अगर मेरे पास 200 नोड्स हैं तो मुझे 200 आईपी एड्रेसेस चाहिए। अब इस केस को सॉल्व करने के लिए ठीक है, हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज हैं ठीक है, वो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि हम इस केस को किस तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नंबर वन तो ये है कि हम अपने 200 आईपी एड्रेसेस जो हैं वो परचेज कर लें, और जितनी भी मशीन्स हैं हम हर एक मशीन को एक आईपी एड्रेस दे दें। दूसरी ऑप्शन ये है कि हम ये करें कि हम अपने पास एक इस तरह का इम्प्लीमेंटेशन बना लें, या जस्ट मैं भी आपको इसको गाइड करता हूँ कि आपने इसमें किस तरीके से काम करना है। तो जो आपके पास नेट की इम्प्लीमेंटेशन है, हम बात कर रहे हैं कि साइट यूजिंग प्राइवेट एड्रेसेस, ये आपके पास जो आपकी मशीन थी वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 172.18.13.1, ये आपके पास एक एक सिस्टम है। देन 172.18.3.2 ये सेकंड मशीन है। देन थर्ड जो मशीन है वो आपके पास यहाँ पे 172.18.3.20। अगर यहाँ पे 200 सिस्टम्स हों तो हर एक के लिए एक लेजिमेंट, अब आप देख रहे हैं कि ये जितने हैं ये सारे के सारे प्राइवेट एड्रेसेस आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये हमने क्या कहा था कि ये आपके पास जो है ये क्लास बी है, ये जो आपके पास क्लास बी है ये आपके पास कौन सी क्लास है, ये जिसमें हमने कहा है कि ये 172.16 से आपकी शुरू होती है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा है कि सारे के सारे आपके जो है प्राइवेट मशीन हैं। इन तमाम को हमने यूजिंग नेट राउटर यहाँ पे आपका, हमने इन तमाम क्लासेस को इस जो एक ये जो आपका पब्लिक एड्रेस है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि जो बाकी सारे एड्रेसेस हैं वो सारे के सारे आपके जो पब्लिक हैं, तो ये सारे के सारे स्टेशन इसके साथ हमने इसकी मैपिंग की है, और मैपिंग के थ्रू हम इसको ऑन द इंटरनेट यूज कर रहे हैं। अब जब जब भी इन स्टेशन में से कोई भी क्लाइंट इंटरनेट की जब रिक्वेस्ट भेजता है या जब जब उसको यूज करता है तो वो किस चीज को यूज कर रहा होता है, वो नेट राउटर को यूज कर रहा होता है, क्योंकि ये यहाँ पे जो आपकी कन्वर्शन होती है प्राइवेट से पब्लिक ठीक है, या पब्लिक से प्राइवेट ठीक है, ये सारी सही कौन कर रहा होता है, आपका नेट राउटर कर रहा होता है, जो आपका नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होता है। अब आपके पास आप देख रहे हैं कि जो आपके एड्रेसेस हैं, अभी देखेंगे यहाँ पे सोर्स में क्या एड्रेस था जो हमें सेंड किया, वो 172.8.3.1 वो इस स्टेशन का है, कि जो आपका लेजिटिमेट कंप्यूटर है वो इसका एड्रेस है, इसको हमें सेंड किया तो सोर्स के ऊपर क्या सेंड हुआ, 200.24.5.8, और जब वो वापस भी रिप्लाई कर रहा है तो आप देखेंगे ये प्राइवेट एड्रेस है, और वो मैपिंग हमने किसके साथ की है, हमने की है पब्लिक के साथ। तो यहाँ पे जो नेट है वो आपके प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक से मैप, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब आपके पास लार्जर नेटवर्क होते हैं, इंटरप्राइज नेटवर्क होते हैं, नंबर ऑफ स्टेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम उन तमाम स्टेशन के लिए अपने आईपी एड्रेस लेजिटिमेट सिस्टम्स को असाइन नहीं कर सकते कि हर एक सिस्टम के लिए हम अपना एक जो आईपी एड्रेस वहाँ पे साइन करें। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम अपना नेटिंग का कंसेप्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जितने भी आईपी एड्रेस होते हैं ये बाय करने पड़ते हैं, हर एक की आपकी कॉस्ट होती है। तो अगर आप 200 सिस्टम लगाने हैं तो अगर एक आईपी एड्रेस जो आपका है वो अगर आपका 1 लाख है तो मल्टीप्लाई कर लें 200, तो आपके पास कितनी कास्टिंग आ जानी है ठीक है। तो इस कास्टिंग को रिड्यूस करने के लिए हम जो अपना कंसेप्ट यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का, हम यूज़ करते हैं ठीक है जी। इसके बाद आपके पास जो आपका
नेट एड्रेस ट्रांसलेशन है वो सारी की सारी अब किस तरीके से हो रही है वो हम इस डायग्राम में देखते हैं कि जो आपकी नेट एड्रेस ट्रांसलेशन है वो आप ये देखें, ये आपके पास डेस्टिनेशन एड्रेस है, ठीक है, 25.8.2.10 सोर्स के है, 172.18.3.1, ठीक है, ये आपके पास डेस्टिनेशन क्या है, यहाँ पे 25.8.2.10 ये आपके पास सोर्स है। अब ये आपके पास वो ट्रांसलेशन टेबल है जिसको एक को हम इंटरनल या प्राइवेट कह देते हैं और दूसरा आपके पास एक्सटर्नल होता है। आप ये देखें कि 172.18.3.1 जब यहाँ जाता है, ठीक है, तो ये जो सिस्टम कम्युनिकेट कर रहा है वो आपके पास 25.8.2.10 कम्युनिकेट कर रहा है, और एक्सटर्नल भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, 25.8.2.10। तो हमने यहाँ पे मैपिंग की हुई है, अपनी एड्रेस ट्रांसलेशन की हुई है, इन शॉर्ट प्राइवेट से पब्लिक आईपी एड्रेस जो कन्वर्जन होती है उसको हम नेटिंग कहते हैं। इट्स वन लाइन डेफिनेशन, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट एड्रेस इनटू पब्लिक एड्रेस। इस टेबल में आप देखें इट्स अ 5 कॉलम ट्रांसलेशन टेबल, इसमें जो आपके पास प्राइवेट एड्रेसेज हैं 172.18.3.1 और ये कहाँ से हो रहा है 172.18.3.2, प्राइवेट पोर्ट्स आपकी कितनी है 1400 और आपके एक्सटर्नल एड्रेस क्या है 25.8.3.2, आपके एक्सटर्नल पोर्ट क्या है 80, आपकी ट्रांसपोर्ट पोर्ट क्या है TCP, इसी तरीके से ये आपका दूसरा एड्रेस है, इसकी ये पोर्ट है, ये इसका एड्रेस है एंड 80 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास एक ट्रांसलेशन टेबल है, आप इस तरह का अपना ट्रांसलेशन टेबल यूज़ कर सकते हैं। एंड ISP एंड नेट, अब आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है जो आपको इंटरनेट की एड्रेसेस दे रहा होता है, या ISP की साइड आप देखें, ये एक स्टेशन है जो यूज़ कर रहा है 172.18.3.1, ये आपका दूसरा स्टेशन है जो यूज़ कर रहा है 172.24.1.1, ये आपका तीसरा स्टेशन है जो यूज़ कर रहा है 172.30.100, और ये आपके पास सारे के सारे क्या है, ये आपकी एक ISP की साइट है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर साइट है, और ये आपके पास टोटल कितने एड्रेसेज हैं, 1000 आपके एड्रेसेज हैं जो आपके इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, आपके इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं जी। नेक्स्ट आपके पास आ गया IP वर्जन 6। नाउ वी कंप्लीटेड IP वर्जन 4। IP वर्जन 4 और 6 में क्या डिफरेंसेस हैं, हम अपनी वर्ड वाली फाइल में जाते हैं। हमने क्या कहा था कि इन द IP वर्जन 4.0 वी हैव 5 क्लासेस ए बी सी डी एंड ई। हम जो यूज़ कर रहे थे क्लास ए, हमने क्या कहा था कि इसका ये 1 से लेकर 126 तक नेटवर्क नेटवर्क आईडीज होती हैं इसकी। बी में हमने क्या कहा था वन ट्वेंटी एट से लेकर 191 तक नेटवर्क आईडीज होती हैं। सी में उन्होंने कहा था 192.223 तक नेटवर्क आईडीज, तो ये हमारे पास 3 क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। जो क्लास ए है इसकी रेंज जो है आप ये देख रहे हैं कि 1 से 126 है, जो क्लास बी है इसकी जो रेंज है 128 से 191 है, और ये जो क्लास सी है इसकी रेंज आप देख रहे हैं 192 से 223 है। तो ये हमारे पास जो 3 क्लासेस हैं जो हम जो है यूज़ कर रहे हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। और हमने ये भी कहा था कि जो आपका आईपी एड्रेस है इज इक्वल टू
नेटवर्क आईडी प्लस नोड आईडी इज इक्वल टू 32 बिट एड्रेस। कि आपके पास था IP4 के अंदर क्या था कि आपके पास एक एक पोर्शन नेटवर्क का था, एक नोड का था, फिर हमने उसमें से अपनी जो क्लासेस बनाई थी, हमने क्या कहा था कि आपके पास क्लास ए है, इसमें जो फर्स्ट ऑक्टेट है वो ठीक है, वो ऑक्टेट आपका नेटवर्क आईडी का है, जो बाकी तीन ऑक्टेट्स हैं वो आपके नोड्स के हैं। फिर हमने कहा था कि जो क्लास बी है इसमें जो फर्स्ट टू ऑक्टेट्स हैं ठीक है वो आपके नेटवर्क आईडी के हैं, और जो लास्ट टू ऑक्टेट्स हैं वो आपके पास जो है क्लास ठीक है वो आपके नोड्स के हैं, और जो आपके पास क्लास सी है उसमें जो फर्स्ट थ्री ऑक्टेट्स हैं वो नेटवर्क के हैं, और जो लास्ट ऑक्टेट है वो नोड का है। ये हमने हम ठीक है वो ऑलरेडी डिस्कस हम ये पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं आईपी वर्जन 6 में क्या डिफरेंस है। ये आईपी वर्जन जो 6 है इट्स नेटवर्क आईडी इसकी भी सेम है प्लस नोड आईडी इज इक्वल टू 128 बिट्स। अब क्लासेस अब देखें, यानी यहाँ पे तो आपके पास 32 बिट एड्रेस है और यहाँ पे बस क्या है 128 बिट एड्रेस है। जिस तरह हमने कहा था कि क्लास ए में बी में सी में सब नेटिंग होती है, सुपर नेटिंग होती है, राउट समराइजिंग है, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्किंग है, ये सारी की सारी आपकी आईपी वर्जन 4 में है। लेकिन आईपी वर्जन 6 के अंदर जो है ना ही कोई कंसेप्ट है सब नेटिंग का, ना ही कोई कंसेप्ट है राउट समराइजिंग का, ना ही कोई आपका कंसेप्ट है सुपर नेटिंग का, ना ही कोई आपके पास साइडर होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। वाई, उसकी रीजन क्या है कि जब हमने आईपी वर्जन 4 है, जब एक आपका पुराना वर्जन है जब हमने उसमें यूज किया, और अब हमने आईपी वर्जन 6 क्यों दिया। देखिए, जितने भी आपके आईपी एड्रेसेस हैं उनकी रेंज डे बाय डे ऑलमोस्ट आईपी 4 जो है बहुत सी थोड़ी सी रहेगी, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। ठीक है, जब आईपी 4 को डिजाइन किया गया था 80s में तो ये कहा गया था कि इसमें इतने सिस्टम्स हैं कि जो कभी भी खत्म नहीं होंगे, लेकिन नाउ डेज आप देखें आफ्टर 30 ईयर्स 25 ईयर्स IP4 ऑलमोस्ट इज फिनिश्ड। अब हमने जब अपने सिस्टम्स को इंटरनेट के ऊपर पब्लिक नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेट करवाना है तो हमें डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए के साथ साथ हमें लॉजिकल आईपी एड्रेसेस भी चाहिए। तो अब जिस वजह से IP4 की जब आईपी एड्रेस सारे जो सारे के सारे जब हो गए फिनिश हो गए तो उसकी जगह क्या लॉन्च किया गया, IP6 नेटवर्क लॉन्च किया गया। IP6 में भी जो मेन उसका स्ट्रक्चर है वो वही है जो हमने IP4 के अंदर डिस्कस किया, यानी इसमें भी नेटवर्क आईडी का पोर्शन है और नोड आईडी का पोर्शन है। आप जब इन दोनों पोर्शन को कंबाइन करते हैं, यानी नेटवर्क आईडी को और जब नोड आईडी को आप कंबाइन करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 128 बिट का एड्रेस आ जाता है। यहाँ पे तो हम कहते थे ना कि देखें अगर हम IP4 देखें तो हमारे पास मैक्सिमम कितने नेटवर्क्स हैं IP4 में, अगर हम क्लास सी यूज करें तो हम मैक्सिमम 2 raised 24 यूज कर सकते हैं। मैं अगर यहां लिखूं इन क्लास ए नंबर ऑफ नेटवर्क्स इज इक्वल टू 2 raised 8 in class B number of net race 2 raised 14। तो ये ऑलमोस्ट बन जाते हैं 65,534। तो ये आप देखें कि ये इतने नेटवर्क्स हैं, लेकिन जो आपके पास IP6 है इसमें आपके पास नंबर ऑफ नेटवर्क्स
टू रेज 80, बाकी पर हम लिखते हैं नेटवर्क आईडी 80 बिट्स प्लस नोड आईडी 48 बिट्स इज इक्वल टू 128 बिट्स एड्रेस। यहाँ पे आपने देखा कि जो आपके पास नेटवर्क आईडी है वो आपके पास 80 बिट्स हैं और जो नोड आईडी है वो आपके पास 48 बिट्स है, तो टोटल जो आपके पास आ रहा है वो 128 बिट्स आ रहा है। जबकि आप देखेंगे जो IP4 है उसमें किसी भी क्लास में इवन टोटल जो नेटवर्क और नोड को मिला के भी आपके पास 32 बिट्स आते हैं, क्योंकि आप अगर नेटवर्क और नोड दोनों को मिला दें तब भी आपके पास 32 बिट्स आते हैं, जबकि यहाँ पे आपके पास जो नेटवर्क आईडी है सिर्फ वो ही 80 बिट्स की आपकी जो नेटवर्क आईडी है और 48 बिट्स की आपके पास जो है वो आपके पास क्या है वो आपकी नोट आईडी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ नेटवर्क्स हम लगा सकते हैं क्लास या कोई एक बात है, देर इज नो क्लासेस IP6 में, आप ये नहीं कहेंगे कि जी कि मेरी ये क्लास ए है या मेरी ये क्लास बी है, ठीक है, या मेरी क्लास सी है। IP6 में कोई क्लासेस नहीं है। ठीक है, जो एक नेटवर्क पोर्शन है एक नोड पोर्शन है। अब इसकी जो डिजाइनिंग है वो आप समझिए, हम सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क पोर्शन को एलोकेट, अच्छा ये जो आपका इसको हम मैक आपने अक्सर देखा होगा कि हम क्या कहते थे, ये 48 बिट है, ये आपके पास ये जो आपका नोड है नोड आईडी इज इक्वल टू मैक एड्रेस ऑफ द स्टेशन स्लैश पीसी स्लैश होस्ट स्लैश नोड स्लैश टर्मिनल एटसेट्रा। यानी ये आपके पास क्या है कि जो आपके पास 48 बिट है, जो आपके कंप्यूटर का हमने कहा था कि जो मैक एड्रेस होता है, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, हमने कहा था उसके दो पोर्शन होते हैं, एक आपका IEEE होता है, ठीक है, और आपका दूसरा जो होता है वो आपका वेंडर का होता है। तो वो जो आपके पास 48 बिट का जो मैक एड्रेस होता है, जो 20 जिसको हमने डिफाइन किया हुआ है 24+24 के हिसाब से उसको हमने डिफाइन किया हुआ है, तो वो जब आपका कंप्यूटर जो है जब बूट करता है तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम पिक कर लेता है। यानी जो आपके पास IP version 6 है उसके अंदर आपको मैक, उसमें आपने अपने नोड का पोर्शन वहाँ पे साइन नहीं करना। जिस तरह हम क्या करते थे कि क्लास ए बी सी में एक पोर्शन नेटवर्क का भी देते थे और एक पोर्शन नोड का भी देते थे, लेकिन जो आपके पास IP version 6 है उसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपना नेटवर्क का पोर्शन असाइन करेंगे, नोड का पोर्शन हर मशीन का वो यूनिक होगा, क्योंकि जो आपका मैक एड्रेस है वो आपका यूनिक है। अब जब भी आपका कंप्यूटर बूट करता है, आपका सिस्टम बूट करता है, तो वो खुद पिक कर लेता है जो भी मैक एड्रेस होता है, वो रैंडमली उसको खुद पिक करता है, क्योंकि मैक एड्रेस तो यूनिक है कि आपकी जितनी भी नेटवर्क कंपनी की आपकी जो कंपनीज हैं जो आपकी नेटवर्किंग कंपनी कार्ड बनाती हैं उसमें जो आपका मैक एड्रेस है वो यूनिक होता है। अब मैक एड्रेस जो आपकी जब हम बात करते हैं, तो जब आपका हर सिस्टम का एक अपना मैक एड्रेस है, तो एक तो आपको सब नेटिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम सब नेटिंग क्यों करते थे, हम अपने नंबर ऑफ नेटवर्क्स को इंक्रीज करने के लिए करते थे ना। अब क्लास ए में 2 raise 8 नेटवर्क थे और क्लास सी में मैक्सिमम आपके जो जो नेटवर्क थे वो 2 raise 24 थे। ठीक है, जबकि यहाँ पे आप देखें कि कोई क्लास भी नहीं है और 2 raise 80 नेटवर्क्स हैं, और हर नेटवर्क में आप कितने स्टेशन यूज कर सकते हैं। वहाँ पे जी हम कहते थे क्लास ए में हम जो सबसे ज़्यादा जो हम अपने नोड यूज़ कर सकते हैं वो हम क्लास ए में यूज़ कर सकते हैं जी। कितने नोड यूज़ कर सकते हैं जी, हम 2 raise 24 यूज़ कर सकते हैं। क्लास बी में कितने नोड यूज़ कर सकते हैं जी, हम वो 2 raise 16 यूज़ कर सकते हैं। क्लास सी में हम लोग कितने नोड यूज़ कर सकते हैं, वो हम लोग जी 2 raise यूज़ कर सकते हैं। क्लास सी के अंदर जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं 2 raise 24। तो ये आप देख रहे हैं क्लास ए क्लास बी क्लास सी, तो यहाँ पे हमने अपने डिफरेंट नोड्स और नेटवर्क का पोर्शन रखा हुआ है कि क्लास
ए के अंदर आपके कितने नेटवर्क्स हैं और कितने नोड्स हैं, क्लास बी में आपके कितने नेटवर्क्स हैं और कितने नोड्स हैं क्लास सी में. लेकिन अगर आप ये देखें कि इन शॉर्ट अगर मैं समरी बताऊं, तो आईपी वर्जन 4 में जो आपके मैक्सिमम जो आपके स्टेशन से या जो आपके नोड से वो क्लास सी में 2 रेज 24 थे, जबकि यहाँ पे आप देखें कि 2 रेज 48 है, यानी 2 रेज 18 नेटवर्क और 2 रेज 48 सिस्टम्स. तो कितना ह्यूज डिफरेंस है क्लासेस के अंदर. बल्कि कुछ बुक्स में, कुछ मैगजीन्स में ये भी कहा गया कि अगर वर्ल्ड में जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, अगर हर एक को हम ये अज्यूम करें कि एक आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं, तो आईपी वर्जन जो 6 है वो फिर भी 25% से ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होगा. लेकिन डेफिनेटली जब IP4 आया था तो उसके बारे में भी ऐसी रिसर्च थी, लेकिन नाउ अडेज देखें IP6 आपका आ गया. तो बहरहाल ये है कि इन शॉर्ट आपको यहाँ पे ये मैं आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ कि जो IP6 है उसमें 2 रेज 18 नेटवर्क्स हैं और 2 रेज 48, हर नेटवर्क में जो नंबर ऑफ स्टेशन लगाए जाएंगे वो 2 रेज 48 स्टेशन होंगे. तो यहाँ पे हम देखते हैं डिस्पाइट ऑल शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन एड्रेस डिप्लीशन इज स्टिल अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम फॉर द इंटरनेट. दिस इज अदर प्रॉब्लम इन द आईपी प्रोटोकॉल इटसेल्फ हैव बीन मोटिवेशन फॉर IP6. तो जो आपके पास IP6 आया है, ठीक है, वो क्यों आया, मैंने अभी आपको सारी गाइड की है, सारा समझाया है कि ए में आपकी क्लासेस क्या थी, जो क्लास ए क्या थी, बी क्या थी, सी क्या थी, फिर उसमें डिफरेंस क्या था, IP4 का एड्रेस कितने बिट्स का था, 6 तक कितना का था. तो अभी हम इसका स्ट्रक्चर और इसकी एड्रेस अभी डिस्कस करते हैं. तो एन आईपी वर्जन 6 एड्रेस इज 128 बिट लॉन्ग. हमने जो यहाँ पे बात की, अब ये 128 बिट लॉन्ग में हमने क्या कहा है कि इसमें से 80 बिट्स जो हैं वो आपके पास आपकी नेटवर्क आईडी है और जो रिमेनिंग 48 बिट्स हैं वो आपके पास मैक एड्रेस हैं. और अगर हम इस नोड को भी मजीद करें, जो आपके पास नोड का एड्रेस है नोड आईडी, IEEE ID प्लस वेंडर आईडी इज इक्वल टू 24 बिट्स प्लस 24 बिट्स इज इक्वल टू 48 बिट्स. तो ये जो आपके पास अभी देखने की, जो आपके पास जो नोड आईडी है ये 48 बिट से लेकर आप देख रहे हैं कि इसको हमने किस तरह, हमने इसको किस तरीके से फैब्रिकेट किया हुआ है कि 24 बिट्स आपकी IEEE की आईडी है और 24 बिट आपकी जो वेंडर की आईडी है. तो ये टोटल जो आपका आईपी एड्रेस है इट्स अ 128 बिट्स, यानी एन आईपी वर्जन 6 एड्रेस इज 128 बिट लॉन्ग आईपी एड्रेस. इसकी अगर आप कन्वर्जन देखें, एन आईपी वर्जन 6 एड्रेस इन बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल कॉलन नोटेशन. एक तो ये है कि ये हम जब भी उसको तो हम लिखते थे डेसिमल में लिखते थे और डॉटेड, यानी हम उसमें 10.1.2.3 करते थे, जिसको हम डेसिमल डॉटेड नोटेशन कहते थे. यहाँ पे जो आप लिखेंगे हेक्साडेसिमल कॉलन नोटेशन जिसे कहते हैं, उसको हम कहते थे डेसिमल डॉटेड नोटेशन. और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो आपका हेक्सा डेसिमल कॉलन नोटेशन होगा. आप देखें 128 बिट्स है, 16 बाइट्स बन जाती हैं. 16 बाइट्स कैसे बनती हैं, इज इक्वल टू 16 बाइट्स, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, 128 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 16 बाइट्स. तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आ गया कि जो आपके पास
यहाँ पे 128 बिट्स हैं, इक्वल टू 16 बाइट्स, और आपके पास 32 हेक्सा डेसिमल डिजिट्स हैं। ये फर्स्ट आपका है, आपका हेक्सा डेसिमल, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स है, ये सेवन है, ये एट है। तो अब ये देख रहे हैं कि ये आपके पास एट, इट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एट आपके पास डिफरेंट ऑक्टेट्स हैं, तो आप इनको कह लें, ठीक है। जबकि वहाँ पे आपके पास क्या था कि 32 बिट का एड्रेस था, तो ये आपके पास 16 बाइट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एट ऑक्टेट्स हैं, ठीक है। इसको आप उसके साथ जो मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 128 बिट का आपका आपका एड्रेस आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आईपी वर्जन 6 का जो एड्रेस का आपका स्ट्रक्चर है ये वो है। अब आप इसमें देखें कि एब्रीवेटेड ऑफ आईपी वर्जन 6 एड्रेस, आप देखें कि ये जो आपका ओरिजिनल एड्रेस था वो ये था। अब देखें FD FD EC 00 74 00 00, फिर 00 00 00 00 B0 FF 00 00, एंड देन जो FFF 0, और ये एब्रीवेटेड जो आपके पास क्या है, FD EC, इट्स 74, इट्स 0, इट्स 0, इट्स 0, इट्स B0 FF, इट्स 0, इट्स FFF 0, और लास्ट में जो आपके पास मोर एब्रीवेटेड है, FD EC देन 74 देन BD B0 FF देन 0 देन FFFF देन 0। तो ये आपके पास एक आपका ओरिजिनल था, फिर ये आपके पास आपका एब्रीवेटेड था, और ये आपके पास मोर एब्रीवेटेड है, ठीक है। तो यानी इसमें हमने क्या लिखा, FDEC कर दिया 70, ये 74 हो गया, ये ब्लैंक, ये आपका गैप आ गया, ये B0F आ गया, और ये आपके पास FFFF आपका 0 आ गया। तो ये आपके पास मोर एब्रीवेटेड है, तो ये आपका ओरिजिनल था, फिर ये एब्रीवेटेड है, और फिर आपके पास ये मोर एब्रीवेटेड है। तो हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एक्सपेंड द एड्रेस 0:15:1:12:12:1213 टू इट्स ओरिजिनल, हमने इसको क्या लेके जाना है। अभी आप ये देखें कि यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी है कि सबसे पहले आपके पास ये आपका ओरिजिनल एड्रेस था, फिर ये आपके पास एब्रीवेटेड एड्रेस था, और ये आपके पास मोर एब्रीवेटेड एड्रेस था। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमने ये किया है कि हमने इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड द एड्रेस टू इट्स ओरिजिनल, यानी जो अगर यहाँ पे आप देख रहे थे, अगर आपके पास यहाँ पे एब्रीवेटेड था ये वाला, तो आपने इसको इसमें कन्वर्ट किया, और फिर आपने इसको यहाँ पे लेके गए, तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इस एड्रेस को वापस जो इसकी ओरिजिनल फॉर्म है उसमें लेके आना है। वी फर्स्ट नीड टू अलाइन द लेफ्ट साइड ऑफ द डबल कॉलन टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिनल पैटर्न एंड द राइट साइड ऑफ द डबल कॉलन टू द राइट ऑफ द टू द राइट ऑफ द ओरिजिनल पैटर्न टू फाइंड हाउ मैनी जीरोज वी नीड टू रिप्लेस द डबल कॉलन। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ रहा है 0 देन कॉलन देन 15 देन कॉलन देन कॉलन देन 1, दिस मीन्स दैट द ओरिजिनल एड्रेस इज 0000000। आपने इस 0 से इसको स्टार्ट कर लिया, ये आपके पास आ गया 15, तो इसकी 2 बिट्स अभी कम थी, तो आपने यूज़ कर लिए 0015। ये आप कॉलन देख रहे हैं, ये अगर यूज़ नहीं हो रहा, तो आप अगर इस स्लाइड में जाकर देखें तो हमने यहाँ पे क्या कहा था कि पहले हमने इन तमाम 0 को 10 से किया था, फिर हमने इसको हमने कॉलन कर दिया था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि ये जो है, ये इसके 40 आ गए, ये इसके 40 आ गए, फिर आपके पास नेक्स्ट आ गए, फिर आपने इस 1 को कंप्लीट कर लिया, फिर आपने इस 12 को कंप्लीट कर लिया, और लास्ट में आपके पास 1213 आ गया। तो आप इस मेथड के थ्रू इसकी कन्वर्जन कर सकते हैं कि अगर आपको ओरिजिनल से एब्रीवेटेड में आना पड़े या मोर एब्रीवेटेड में आना पड़े, तो आप इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। टाइप प्रीफिक्सेस फॉर IP6 एड्रेसेस, जो आपके पास IP6 के एड्रेसेस हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं
कि आप ये देख रहे हैं कि 0000 ये आपका ऑलरेडी जो है ये आपका फिक्स्ड है, रिजर्व्ड है, एंड इसकी जो फ्रैक्शन है वो 1/256 है। फिर आपके पास लास्ट वन, ये अनसाइंड है, इसकी फ्रैक्शन भी वही है, ये वन है, ये आपका ISO नेटवर्क का एड्रेस है, ये भी वही 1/128 है, ये आपका नॉवल का है, ठीक है। इसके बाद ये आपका 0001 जो है ये आपका अनसाइंड है, देन ये वन है, ये आपका अनसाइंड है, देन ये आपका वन है, ये जो आपका वन है ये फिक्स है, ये रिजर्व्ड है, और 001 है ये भी आपका रिजर्व्ड है, और 010 ये आपका प्रोवाइडर बेस्ड बेस्ड आपका यूनिकास्ट आपका एड्रेस है, ये उसको जो प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आपके पास एक चार्ट है IP वर्जन 6 के एड्रेसेस का। तो इसी चार्ट को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, देन आप देखें, देन आपके पास क्या चीज़ आ रही है, 0001 ये आपका अनसाइंड है, 100 ये आपका जियोग्राफिक बेस्ड आपका यूनिकास्ट एड्रेस है, आपका 101 अनसाइंड है, 110 अनसाइंड है, फिर आपके पास 111 अनसाइंड है, 111 अनसाइंड है, 111 10 ये अनसाइंड है, एंड ये यहाँ तक, यहाँ पर फिर आप इसको फिर से साइन करते हैं, इसमें 111 11 देन 111 010 ये आपका लिंक लोकल आपका एड्रेस है, जो आपके पास जो इसकी फ्रैक्शन बनती है 1/1024, ठीक है जी। और फिर ये आपके पास जो लास्ट 111 है, ये आपके पास साइट लोकल आपका एड्रेस है, इसकी भी जो आपकी फ्रैक्शन बनती है वो आपकी बनती है 1/1024, और फिर ये आपके पास लास्ट में मल्टी क्लास एड्रेस है, जो आपके इसमें आप देख रहे हैं कि आपके जितनी बिट्स हैं वो सारी की सारी वन्स हैं, और ये आपके पास 1/256 इसका फ्रैक्शन है, और ये हम यूज़ करते हैं अपने मल्टी क्लास एड्रेस के लिए। अब आपके पास जो प्रीफिक्सेस हैं फॉर प्रोवाइडर बेस, जो जो आपका यूनिकास्ट है, कि जो आपके पास जो आपकी डिफरेंट टाइप की प्रीफिक्सेस हैं, आप ये देखें कि सबसे पहले आपके पास क्या आ गया है, सबनेट प्रीफिक्स आ गया, फिर आपके पास सब्सक्राइबर प्रीफिक्स है, और फिर आपके पास प्रोवाइडर प्रीफिक्स है। तो इसमें आपके पास तीन तरह की है, एक आपके पास सबनेट प्रीफिक्स है, एक आपके पास जो है एक आपके पास जो है वो आपका जो है सब्सक्राइबर प्रीफिक्स है, और थर्ड जो आपके पास है आपके पास जो है वो आपका जो है प्रोवाइडर प्रीफिक्स है। इसमें आप देख रहे हैं 3 देन 5 5 के अंदर आपने क्या किया है कि ये आपने अपने नंबर दे दिए, रिपनिक का क्या नंबर है, एपनेक का क्या नंबर है, इंटरनेक जो आपकी जो आपको सारे के सारे आपको एड्रेसेस देती है, साइन करती है। उसके बाद आपके पास आपका प्रोवाइडर का जो आपका आइडेंटिफायर है वो है, फिर आपके पास सब्सक्राइबर का जो जो आपका आइडेंटिफायर है वो है, फिर आपके पास सबनेट का आइडेंटिफायर है, और फिर आपके पास लास्ट में क्या है, आपके पास नोड का आइडेंटिफायर है। तो ये आपके पास क्या चीज़ थी, प्रीफिक्सेस फॉर प्रोवाइडर बेस्ड यूनिकास्ट एड्रेस। जो आपके पास मल्टीकास्ट, जिस तरह हमने कहा था कि IPv4 में एक यूनिकास्ट एड्रेस होता है, एक मल्टीकास्ट एड्रेस होता है, एक ब्रॉडकास्ट होता है, यूनिकास्ट बिटवीन टू नोड्स के लिए था, बिटवीन टू पीसीज के लिए था, बिटवीन टू मशीन्स के लिए था, जो आपके पास जो आपका मल्टीकास्ट था वो आपके एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए था, ठीक है, और जो ब्रॉडकास्ट था वो आपकी तमाम सिस्टम्स के लिए, आपकी तमाम आपके पास जितनी भी मशीन थी वो उन तमाम के लिए था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपके पास 8 बिट्स आ गई, ठीक है, और ये आपके पास फ्लैग आ गया, और ये आपके पास यहाँ पे स्कोप आ गया। इसमें आप देख रहे हैं ये आपकी रिजर्व्ड है, ये आपका नोड लोकल है, ये आपके पास लिंक लोकल है, ये साइट लोकल है, ये आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, और ये आपके पास जो आप इसको देख रहे हैं ये आपका ग्लोबल है, और ये आपके पास लास्ट में रिजर्व्ड है। तो ये जो 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 आपकी मल्टीकास्टिंग है, इसमें 8 बिट्स, फिर 4 बिट्स, फिर 4 बिट्स, फिर आपके पास यहाँ पे कितनी आ रही हैं, 112 बिट्स जो हैं जो आप इसको यूज़ कर रहे हैं। फिर आपके पास जो IP6 में, IPv6 के अंदर जो आपकी के आपने कितने एड्रेसेस को रिजर्व किया, कैसे रिजर्व किया, ये आपके पास फर्स्ट 8 बिट्स हैं और ये 128 बिट्स हैं। अभी देख रहे हैं कि ये टोटल क्या है, 128 बिट्स, क्योंकि हमने क्या कहा है कि जो आपका IPv6 है वो आपके पास 128 बिट्स का होता है, तो ये 8 बिट्स ही हैं, और ये आपके पास जो
जो 120 बिट्स है। तो जब आप इन 8 बिट्स को 120 के साथ करते हैं तो आपके पास जो है ये टोटल 128 बिट्स आ जाती हैं। तो ये आपके पास अनस्पेसिफाइड है। जब आप इन 8 बिट्स को करते हैं तो, और ये आपके पास जो बाकी 120 बिट्स हैं, तो पार्ट बी क्या है, ये आपके पास जो लूप बैक है। पार्ट सी में आप क्या कह रहे हैं, 8 बिट्स, देन 88 बिट्स में ऑल जीरोज, और 32 बिट्स में ये आपका आईपी वर्जन 4 का एड्रेस है। ये कंपेटेबिलिटी के लिए, अगर एक मशीन आईपी 4 पे काम कर रही है और एक मशीन आपकी आईपी 6 पे काम कर रही है, तो आपने उसकी आपस में कंपेटेबिलिटी किस तरह क्रिएट करनी है, ये आपके पास कंपेटेबिलिटी के लिए है कि आपने इन को आपस में कंपेटेबल किस तरीके से बनाना है। और फिर आप देख रहे हैं ये 8 बिट्स हैं, ये आपके पास 72 बिट्स हैं, ये आपके पास 16 बिट्स हैं, और ये आपके पास 32 बिट्स हैं। ठीक है, ये आपके यहाँ पे आपने क्या यूज़ की है, ये आपने यहाँ पे यूज़ किया है इसको अपने डिफरेंट टाइप की मैपिंग के लिए। तो ये आपके पास जो मेन अहम चीज़ थी वो सी है, जब आपने कंफर्टेबिलिटी क्रिएट करनी है कि एक मशीन सी एक IP4 यूज़ कर रहा है, एक IP6 यूज़ कर रहा है, तो आपस में क्या कंफर्टेबल है कि नहीं, वो किस तरीके से यूज़ करेंगे, वो आपके पास इसमें यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे सी में शो हो रहा है। और फिर लास्ट आपके पास जो है इस चैप्टर की जो लास्ट स्लाइड है, ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं लोकल एड्रेसेस इज इन आईपी वर्जन 6, इसमें ये 10 बिट्स हैं, देन ये आपके पास 70 बिट्स हैं जिसमें आपने ऑल जीरोस कर दिए, और ये आपके पास 48 बिट्स हैं जो आपके नोड एड्रेस हैं जिसको आपने लिंक लोकल कहा हुआ है। और इसके साथ आप देख रहे हैं कि आपके पास 10 बिट्स हैं, देन 38 बिट्स हैं, इसमें आपके पास जितनी भी बिट्स हैं ये सारी की सारी आपकी जो आ रही हैं वो आपके तमाम जीरोज हैं। 32 बिट्स जो हैं वो आपके पास यहाँ पे सबनेट का एड्रेस है, और जो 48 बिट्स हैं वो नोड और आपका एड्रेस है। तो इसमें हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक आपके पास जो है लिंक लोकल एड्रेस है, और दूसरा आपके पास साइट लोकल एड्रेस है। तो ये हम दो डिफरेंट यहाँ पे एड्रेसेस इसमें यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने आईपी वर्जन 4 को चेक किया, फिर इसके बाद हमने आईपी वर्जन 6 देखा, उसकी सबनेटिंग देखी, सुपर नेटिंग देखी, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, उसकी रेंजेस क्या होती हैं, इसकी मैपिंग किस तरीके से की जाती है, फिर आपने जो आपका फर्स्ट पीसी किस तरह फाइंड होता है, लास्ट पीसी किस तरह फाइंड होता है, उसकी ब्रॉडकास्ट किस तरह फाइंड होती है, आप इन तमाम आईपी एड्रेसेस को किस तरीके से यूज़ करते हैं रियल नेटवर्क के अंदर। और इसके बाद हम जो अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा राउटिंग का, इंशाल्लाह। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।